पिछले 2 दिनों में क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्र का हमने दौरा किया है। आज दुर्भाग्यवश हमारे जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष थे उनका देहांत हो गया, तो इस वजह से आज सुबह के कार्यक्रम मैंने स्थगित किए हैं। उनके अंत्येष्टि में हम लोग अभी भाग लेकर आए हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा उनका जाना। लेकिन जहाँ तक चुनाव अभियान की बात है, बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और जो रिस्पॉन्स लोगों का मुझे मिल रहा है, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो बड़ा उत्साहित है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस उम्मीद से हम चुनाव लड़ रहे थे उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग निकलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बहुत जल्द राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, दिवाली के बाद उन सबका प्रोग्राम बन रहा है राजस्थान में आने का, बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारा कैंपेन बड़ा पॉजिटिव है, हमने जो घोषणाएँ करी हैं, जो जन कल्याण की हमने बात रखी है उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और कैंडिडेट्स का, जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं उनके प्रचार में लगातार भीड़ आ रही है। आपने देखा होगा नामांकन के दिन जिस जन सैलाब का अटेंडेंस वहाँ दिखी कांग्रेस के नॉमिनेशंस में, वो इस बात को दिखलाता है कि मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और ये चुनाव लड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। बीजेपी ने कई बार कोशिश की है इसको डाइवर्ट करने की, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो जज्बाती मुद्दे हैं, जो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, मजहब की बात करना, वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन पब्लिक बड़ी फोकस्ड है, वो डिलीवरी चाहती है, गवर्नेंस चाहती है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है। और हमारा परफॉर्मेंस बाकी राज्यों में बहुत अच्छा हो रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो अच्छी तरह सरकार बनाएंगे, जैसे राहुल जी ने कहा। राजस्थान में भी ये अब परंपरा टूटेगी, रिवाज टूटेगा और कांग्रेस पार्टी का शासन दोबारा बनेगा।